ऐसे कैसे होता है, मतलब इतनी पिटाई है? अरे यार कभी ऐसे ऐसे आग मार सर, ये मेरे को दो मिनट यार आपको देखो, यू शुड बी ग्रेशियस। इनको देख के लग रहा है कि मैच चल रहा है, मुझे लगा वीडियो गेम चल रहा है। सच बताऊं कोई वीडियो गेम वाली बैटिंग चली है, वैसी कुटाई, मतलब वीडियो गेम ही चल रही है, वीडियो गेम ही था। मैंने ना इतनी एक तो कुटाई आईपीएल में नहीं देखी है, मतलब इस तरह ब्रूटल है यार, नहीं देखी है, मतलब देखी भी होगी तो पौने तीन सौ नहीं देखी है, चौके है ही नहीं, छक्के नहीं, पौने तीन सौ रन नहीं देखे ना कभी। मुझे ये बताओ, ये क्या कप्तानी है ये स्कूल की कप्तानी, कि आप घर से आपके आपके टीचर ने होमवर्क दिया हुआ आपको कि इतने बजे मैथ्स पढ़नी है, इतने बजे साइंस पढ़नी है, और सात ओवर में 102 रन है उस टीम के। बुमराह को नया बॉल नहीं कराना, बुमराह को पावर प्ले में एक ओवर कराना है, और जो लास्ट तीन ओवर है वो कराने जी 19, 17 और 15, और 15 ओवर में 200 स्कोर हो चुका था। मतलब हार्दिक पांड्या क्या कप्तान है यार, मतलब 11 ओवर में 161, हद हो गई है यार, इतनी पिटाई की मुंबई वालों का मोराल देख लो, जो टीम मुंबई को सपोर्ट कर रही है। चिथड़े उड़ गए थे, देखा आपने, चिथड़े उड़ गए थे, एक्चुअली में चिथड़े उड़ गए थे, स्टैंडों में हमारी दीवारों में लग, एक आध दो चौके तो उसकी वजह से भी रुके होंगे ना, चौके या छक्के जो भी कह सकते हैं, जो एक्चुअली इतनी भाई बॉल फट गई तो बॉल टाइम तो नहीं होगी ना। कहानियां दो है, जबरदस्त बैटिंग जो हैदराबाद ने की है, जो आया मारता गया, जो आया मारता गया, क्रिक रॉकेट आज जो ऐसा उड़ रहा था ना, और दूसरी तरफ जो ये मुंबई इंडियंस, आई एम सॉरी अगर मुंबई इंडियंस का मैं भी फैन हूँ, धीरज भी फैन है, और यार ले आओ, मैं थोड़ा दूसरा भी दुख है मेरा, एक ही इज्जत थी हमारी 263 वाली, वो भी आप तार तार हो गए, पर आपने ही डिफेंड किया था कि रोके बुमराह को, ये क्या कप्तानी है यार, कितना रोके, अरे वो तो आज ऊपर ट्रेविस में फंसे, पूरी आदतें ऐसी ही लगती हैं आज भाई, मारा अभिषेक ने भी ट्रेविस हेड, चलो छोड़ो आउट हो गए थे, बुमराह क्यों नहीं लाया, लेकिन एक बात, इतनी कुटाई के बाद आए वो 12 ओवर में 173 रन थे, तब यार विकेट कितना बचा, ये कुटाई, मैं वही कह रहा हूँ ना, बचा के रखो भाई बुमराह को, रखो बुमराह को सजा के कहीं। मेरा सबसे सवाल है, आप सबसे सवाल है, हार्दिक पांड्या 2 साल उनके कप्तान, गुजरात चैंपियन रनर अप, वो हार्दिक पांड्या का ऑरा, उनका तेज, उनको ले आए आप यहाँ पे, मुंबई इंडियंस के 2 मैच 7 नंबर पर बैटिंग करके उसने मैच वो गलत डिसीजन, आज मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ ये किसका फैसला है कि बुमराह जो है वो नया बॉल नहीं डालेंगे, और बुमराह जो है वो एक ओवर डालेंगे पावर प्ले में, और बाद में 3 ओवर डालेंगे वो 15 के बाद, मैं जानना चाहता हूँ ये किसका फैसला है, ये कंप्यूटर पहले लिख के दे देता है ऐसे करना, आपकी ये होरोस्कोप में लिखा हुआ, होरोस्कोप में लिखा हुआ है, और आप कप्तान का बदल क्यों नहीं सकते हो भाई, बदलना चाहिए फील्ड पर, मैं कह रहा हूँ सर, सपोज एक टाइम हाथ ऐसे से मारी जा रहे हो, अगर आप कैप्टन भाई मैच जीत रहे हो, मान लेते प्री मैच आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, वहां पर जब इतनी पिटाई हो रही है, ट्रेविस हेड तो आउट हो गए थे, अभिषेक शर्मा ने भी मारा है, मैं ना राहुल को, आप क्या कर रहे हो, बुमराह को रखा हुआ है आपने, मैं राहुल को बता रहा था आज सुबह, मेरे एक बचपन के दोस्त उनसे फोन पे बात हुई, तो मैंने बताया यार 1988 की बात है, 61,000 लोग आए ऐसी पिटाई, चंडीगढ़ का अंडर 15 का कप्तान था, सुनिए ऐसी पिटाई देखने, 61,000 लोग आए, अंडर 15 का कप्तान था 1988, मेरे फादर ने मुझे फील्ड प्लेसमेंट लिख के दी थी कि जब फास्ट बॉलर बॉल करेगा तो इतनी स्लिपें होनी चाहिए, जब ऑफ स्पिनर बॉल करेगा ये फील्ड होनी चाहिए, तो ये स्कूल अंडर 15 की कप्तानी हो रही है आप मुझे, मैं आई एम ऐसी पिटाई, आप माइक भी दीजिए, ऐसी पिटाई हुई है, माइक भी दीजिए, ऐसी पिटाई हुई है दोस्तों, आज सब होश उड़ गए, बिना माइक के शो हो रहे हैं, आप आ रहे हो, आप नहीं कह रहे हो कि ऑडियो चाहिए, 65,000 लोग आएंगे मैच में, क्या हुआ आपको बता दे, आए पहले ट्रेविस हेड, पहला ओवर डाला जी, ये भी गलत लिख रहे हैं, ऐसी पिटाई, हाँ, आप पहला ओवर क्या हुआ, पहला ओवर उनकी तरफ से मफाका है, पहला ओवर मफाका, कोई बात नहीं, फिर आए हार्दिक, फिर दोबारा आए मफाका, ट्रेविस हेड ने वहां से किया इंजन अपना चालू, जो पिटाई शुरू करी, पहले ट्रेविस हेड ने बनाया एसआरएच की तरफ से सबसे तेज अर्धशतक, अभिषेक आते हैं, भगवान ऐसा कुटाई ना करे जो उन्होंने, भाई साहब पीयूष चावला, मैं कह रहा हूं ट्रेविस की तो अलग रही बात, अभिषेक की नॉक को कोई अंडर एस्टिमेट ना करे, पीयूष चावला को रख रख के दिए छक्के, एक ओवर 3 छक्के, कोइट्ज़े को फ्री हिट भी दोबारा पीछे फेंक के उन्होंने वहां पर कप्तानी कर दी एक्सपोज, बोला बॉस रखो बुमराह को, आप बुमराह है 3 ओवर 40 रन पे 0 थे तब वो, और 10 बॉलों पे 30 रन, 7 ओवर में 100 रन, यार मजाक थोड़ना है, 16 गेंद में 50 हो गए, उसके बाद आते हैं बाय द वे हेनरिक क्लासेन, इस वक्त के दुनिया के सबसे डिस्ट्रक्टिव बल्लेबाज, क्या पेस क्या स्पिन, आपको T20 वर्ल्ड कप से पहले भी बाद में भी ODI वर्ल्ड कप के टाइम बार बार कहा था कि इनके स्पिन गेम की बात होती है, बट पेसर्स को जो ये मारते,
क्योंकि स्पिन को इतना शानदार खेलते कि पेस गेम की बात ही नहीं होती। आप शॉट देख लो, रेंज देख लो, सीधा मारना हो, पुल मारना हो, भाई साहब 84 रन मारे शायद कितने 30-32 गेंदों में, 34 गेंदों में 4 चौके 7 छक्के हैं। यार पिछले मैच में उन्होंने 8 छक्के मारे थे, आज पहला चौका मारा उन्होंने। चलो पहला ओवर तो डाला बुमराह ने, उस वक्त दूसरा ओवर जब बुमराह ने डाला है उस टाइम स्कोर था 173। यार 173, अगर आप मुंबई इंडियंस के फैन हो जैसे मैं हूँ, धीरज है, कोई और है, मैं भी हूँ, सब फैन तो सारे हैं। आज सॉरी, इस सीजन में कोई चमत्कारी हो जाए तो हो जाए, ये सीजन गया भाई, ये गई भैंस पानी में, ये गई भैंस पानी में। आप पहला मैच भी जीता हुआ हारे क्यों, क्योंकि पता नहीं हु टेक्स द, मतलब आई वॉन्ट टू नो के डगआउट में डिसीजन लिए जा रहे हैं मैच से पहले या कप्तान डिसीजन। सर मैं कह रहा हूँ डगआउट में अगर ले लिए, मैं ठीक है डगआउट में ले लिए, बट मैच तो चल रहा है और सिचुएशन के हिसाब से कप्तान, उनके कप्तान एक बात बार बार बोलते हैं कि आई एम डिफरेंट। आज उन्होंने एक्चुअली प्रूव कर दिया ही इज डिफरेंट। इतनी पिटाई नहीं हो सकती मनोज, नहीं हो सकती। आप एक बात बताइए, यही कप्तान है जिसने जीटी को फाइनल में पहुंचाया, जिताया एक बार फाइनल में लेके, मुझे नहीं मालूम, मैं आज मुझे नहीं पता जी, खुशी जी आज जो हुआ है ना वो पूरी दुनिया देख रही है। इतनी पिटाई मतलब इस बोलिंग आपके साथ लाइव नहीं है, इस बोलिंग लाइनअप के साथ इतनी पिटाई नहीं आप कर सकते, आप नहीं हो सकती ऐसी पिटाई। क्रिक रॉकेट भी एक टाइम पर उन्होंने चौकों की अपडेट नहीं दी, सबसे तेज स्कोर अपडेट क्रिक रॉकेट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वो सिर्फ आज छक्कों की अपडेट दे रहे थे। मैं कहता हूँ विकेट भी बहुत अच्छा हो छक्का, और शायद मैं हैट्स ऑफ टू राहुल रावत जी, इन्होंने यार राहुल रावत जी जो इन्होंने आज को पेशिंग 250-300 का बोला यार, नहीं यार सुने नहीं आपने, उन्होंने 250-300 बोला था। अरे यार मैंने उनको मुबारकबाद किसी और चीज के लिए देने लगा, आप क्वेश्चन आंसर सेशन में थे जो मैंने आपने और इन्होंने किया था, बिल्कुल थे, उसमें कुछ हुआ था, क्या हुआ था, डिस्कशन हुआ था। तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस टूर्नामेंट से पहले ये कहा था कि हैदराबाद टॉप 4 की टीम, सबसे पहले आई डिड नॉट बिलीव, सबसे पहले मैं उस टीम का यहाँ पर झंडा लहराया था, मैंने भी बोला था, हालांकि अभी एक ही गेम है, दो मैचेस हुए नहीं है, नो डाउट। देखो हैदराबाद डेंजरस टीम है, बैटिंग उनकी बहुत खतरनाक है, बट उनकी भी गेंदबाजी हर मैच में इनको 270 250 240 रन मिलने वाले हैं, बट इनकी गेंदबाजी देखनी पड़ेगी। बट इसीलिए हम कह रहे थे भाई ट्रेविस हेड को डालो, ट्रेविस हेड को डालो, इंटिमिडेशन फैक्टर, जो बल्लेबाज छक्के के बाद इंटेलिजेंट क्रिकेट नहीं खेलता, नहीं चाहिए सिंगल, छक्के के बाद चौका छक्का ये चाहिए। T20 क्रिकेट ही बदल गई है, हैदराबाद ने आज आपको SRH ने उसका नमूना दिया है, ठीक है। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, क्लासन और चार बल्लेबाज, चार बल्लेबाज, मतलब चलो मयंक अग्रवाल आए और चले गए। अभिषेक साहब स्कोर बोर्ड में स्कोर है, आपने उल्टी क्यों कर दी है, सब कुछ हैंग हो गया आज। ट्रेविस हेड का स्कोर मयंक अग्रवाल है, मयंक अग्रवाल का स्कोर ट्रेविस हेड, वो कर लो, हदी हो गई यार, हदी हो गई भाई, सभी हैंग हो गया, ठीक है खराब। 62 रन मारे ट्रेविस हेड ने जो 24 गेंदों पर, ऊपर मैच तो ऊपर फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉक, देखो क्लासन क्या कर सकते हैं पता था, ट्रेविस हेड क्या कर सकते हैं पता है, बट जो आकर किया अभिषेक ने, वो अभिषेक ने जो राज्याभिषेक कर दिया ना वहां पर, राज्याभिषेक कर दिया। इसको हार्दिक पांड्या जब आखिरी गेंद हुआ आपने देखा, वो जब बाहर जा रहे थे लास्ट में, तो मैं क्योंकि तो पीयूष चावला के साथ भी ऐसे कर रहे थे और किसी को शाबाश वेल बोलिंग, मतलब वो क्या है वो चलो दिखाने के लिए, लेकिन आज जो इनके साथ हुआ है ना, सच ये है कि साइकोलॉजिकली आप खत्म हो गए। मुंबई इंडियंस के फ्रेंचाइजी ओनर्स क्या सोच रहे होंगे इस वक्त बैठ के, क्या वो ये सोच रहे होंगे राहुल कि हमने गलती कर दी, maybe not, but आप जो पूछ रहे थे ना, बोल रहे थे कि कौन लेता है डिसीजन, आपको याद होगा इंडिया के हेड कोच अभी भी राहुल द्रविड हैं, वेस्ट इंडीज का वो दौरा था, वहां पे ये भी कंप्लेंट्स हुई थी कि डगआउट में या ड्रेसिंग रूम में या जब भी आप कुछ कोई स्ट्रैटेजी बनाते थे वहां पे एक चीज डिसाइड होती थी, उसमें हार्दिक पांड्या आपके कप्तान थे, याद होगा। कब की बात है ये, अभी हाल ही जो आखिरी बार वेस्ट इंडीज हार के आए थे T20 और वहां पे ये बात हुई थी कि अंदर जाके हार्दिक पांड्या अपने कॉल्स लेते थे विच डिड नॉट सिट वेल विद द मैनेजमेंट आल्सो, कि हम एक चीज डिसाइड कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये है, ठीक है आपने एक डिसीजन लिया बाहर से आपने लिया, बट आप ये भी तो देख रहे हैं कि उस वक्त सिचुएशन क्या है। ट्रेविस हेड आए हैं, आपको चलो आपने एक बार गलती कर दी, जो पिछले मैच में भी करी थी इसमें भी कर दी, आपने चौथा ओवर जसप्रीत बुमराह को दिया, उन्होंने बड़ा अच्छा ओवर डाला, आई थिंक 5-7 रन उस ओवर में आए थे, उससे पहले जितने रन आ रहे थे 31
दस बॉलों पे 31 नॉट आउट, ट्रेविस हेड खेल रहे थे जब तीन ओवर में, जब जसप्रीत बुमराह को आप लेकर आए, ठीक है, आपने पता नहीं आपका बेस्ट बॉलर डालो ना उनके बेस्ट बैट्समैन के सामने, चलो ठीक है हो गया खत्म। जब उसके बाद भी आप देखो माकरम आए हैं, क्लासेन आए हैं, आपको पता है कि यार जैसे ही नया बैट्समैन आ रहा तब डाल दो जसप्रीत बुमराह को, आप तब डाल दो जब उनका नया बैट्समैन आ रहा। आपको क्या ये डर लग रहा है कि कहीं क्लासेन जल्दी ना आ जाए, जो हम सोचते हैं कि यार अपनी टीम के हिसाब से हम ये सोचते हैं अगर हमारी टीम का बेस्ट बैट्समैन है तो इसको ज्यादा बॉलें खिला दो, आपको ये डर लग रहा है कि हेनरिक क्लासेन जल्दी ना आ जाए? तो यार आई थिंक और हार्दिक पांड्या की उस लिहाज से कप्तानी इज बीन फाउंड वांटिंग। और मुझे एक बड़ी अजीब सी चीज लगती है, देखो आप ना बहुत प्रिटेंशियस होते जा रहे हो अनफॉर्चुनेटली, और वो ना दिख रहा है कि एक एक बात होती है कि अपने ना टीम को बोलते हैं कि यार उनका कॉन्फिडेंस नीचे नहीं जाना चाहिए, मोराल नीचे नहीं जाना चाहिए, आप पीठ थपथपाते रहो हंसते रहो, नो आफ्टर अ पॉइंट यू विल लुक सिली, आप सिली लगोगे, मेरे को नहीं लगेगा, फैंस को नहीं लगेगा, आपकी अपनी टीम में अपने आपके खिलाड़ी खुद सोचेंगे हो क्या रहा है, आप सिचुएशन अरेस्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ कर पर आप हंसे मतलब सो फनी आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर लग गया इंडियंस को इतना हेल्प। आपको जब मार पड़ती है ना इट शुड हर्ट यू, आप जब हारते हो ना इट शुड हर्ट यू, जब आपकी बुरी परफॉर्मेंस होती है इट शुड हर्ट यू। मैं तो शुरू से मानता हूं कि जब आप आउट होते हो या आप अच्छा नहीं खेलते हो हारते हो तो आप कोई भी मतलब दांत फाड़ के आ कर दैट डज नॉट मेक सेंस, डिफीट हर्ट करती है। आप इंडिया की हो या आप फ्रेंचाइजी की हो भाई फैंस थोड़ी हंसते हैं, फैन जो होता है वो जो फैन इतनी पिटाई के बाद घर में दांत फाड़ के हंस रहा होगा, हाँ नहीं वो ही मस्ट बी एंग्री। And I think Mumbai Indians would have to now address this. ये मैच तो गयो, खत्म। आप ये देखो मार्जिन कितने से हारोगे? दो मैच हारना मुंबई के लिए अनयूजुअल नहीं है। ये टीम छह मैच हार के भी आगे आ जाती है। लेकिन इस बार इन तिलों में तेल नहीं दिख रहा और आई थिंक एक और चेंज दिख रहा है। इस तरह की हार तो सर किसी भी टीम का मनोबल गिरा सकती है ना। ये जो मार है ना, ये जो आवाज है ना, रोहित नहीं आ रहे क्या ऊपर? गेंद फाड़ दी और नमन दी, दोनों को पैड अप करा रखा है। तिलक और से मार्क बाउचर कुछ डिस्कस कर रहे हैं, वहां डिस्कशन चल रही है अलग से। अंदर ओपनर आई थिंक रोहित और ईशान चले गए हैं शायद। पर यार नहीं, पर पॉइंट पता क्या, ये जो आप मार की बात कर रहे हो ना यार, ये आवाजें आती है, ये अभी बॉलर जो बैठा होगा ना ये उसके कान में आवाजें आ रही होंगी। सर मफाका सोच रहे होंगे कहां डेब्यू करेंगे, सोएंगे तो क्लासन के छत पे। यार सीरियसली आवाजें आती हैं यार। जब वो ऐसा था, जब वो 263 पड़े थे, डिंडा आके बार-बार बताते थे, क्योंकि डिंडा थे ना उस वक्त पुणे वॉरियर्स की टीम में, कि उनसे पूछा था क्योंकि उनके भी बहुत पिटाई हुई थी, तो वो बताते थे कि यार मैं तो पिटा था, चलो भुवी थोड़ा बहुत बच गए थे, मतलब जिंदगी भर आपसे सवाल होते हैं। और क्या यार, ये देखो बात ऐसी है, ऐसा लग रहा था कि एक इंटरनेशनल साइड खेल रही है, ओपन नेट्स उनके लिए अरेंज करवाए गए और बहुत यार एक बात बताओ, हेड मार दिया समझ में आता है, क्लासेट मार दिया समझ में आता है, लेकिन अभिषेक शर्मा ने भी हाथ धोया है ये थोड़ा। और आप देखो चलो नो डाउट अभिषेक अच्छे, जिस टीम के पास बुमराह दुनिया का नंबर वन बॉलर हो आप उसको बॉल ना करवाओ तो मैं भी हाथ धोऊंगा। तीन ओवर में 40 जब क्या चाहते हो? पहली बारी जब दूसरी बारी आए 173 ये थोड़ी होता है। अच्छा ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया कि शम्स मुलानी का आप ओवर करवा नहीं पाए, उनको आखिरी ओवर ही डालना पड़ा? मैं कहता हूं पहली गेंद से आखिरी गेंद तक हार्दिक पांड्या की रणनीति, हार्दिक पांड्या की स्ट्रैटेजी, उनकी कप्तानी, उनकी कैलकुलेशन ऑल फ्लॉप। एंड आई एम सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट वन गेम, ये गलत बात भी होती है, किसी भी बड़े कप्तान की भी एक खराब गेम आती है भाई साहब, ये कप्तानी नहीं थी, ये स्कूल बॉय कप्तानी थी। अगर अभी भी हार्दिक पांड्या जो अपने का प्रटेंशियस वाली बात है हंस रहे हैं या उनको लग रहा है इट्स ओके आई एम यूनिक आई एम डिफरेंट, सॉरी ही इज लिविंग ऑन अनदर प्लैनेट। क्रिकेट नहीं चलती ऐसे। कर रहे हैं हार्दिक हर चीज में ओवर ट्राई, मतलब किस चीज की, ही वांट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, चाहे वो व्हाट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, चांद थोड़ी जमीन पे ले आओगे आप, व्हाट डज ही वांट, मतलब क्या वो चांद से आए हैं कि वो सबको कह रहे हैं चांद तोड़ के लाओ? उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या चाहिए? वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसी टीम में रोहित शर्मा है ना, उसी टीम में तो और भी लोग खड़े हैं, उस टीम में आपको बुमराह कुछ अलग करते हुए दिख रहे हैं? सी कप्तान की जिम्मेदारी भी होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कप्तान के हाथ सारी बात ही कप्तान पे आ जाती है, बट कप्तान कभी कभी ना, ये फैक्ट है, ये
कप्तान कभी कभी अगर कम दिखता है तो वो टीम बेहतर चलती है, कप्तान अगर कम बोलता है तो टीम बेहतर चलती है, कप्तान नहीं करता ना वो टीम बेहतर चलती है। पर सर एक बात बताइए, जब सीएसके में अगर सीएसके के लिए ऐसा मैच आता है ऋतुराज कहीं फंसते हैं वहां पर धोनी जरूर सपोर्ट करेंगे, यहां पर रोहित का कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं, रोहित हार्दिक को भेज दिया फील्ड पे, एक धोनी का सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ डिसीजंस और उसको लेकर, तो पूछते हो कि मैं इसको बॉल करा लूं या उसको करा लूं। वैसे तो मैम सॉरी, जो बंदा आईपीएल की कप्तानी कर रहा है वो भाई एसटीपीएल रेड और एसटीपीएल ब्लू की कप्तानी नहीं कर रहा कि हर बॉल पे मनोज भाई क्या करूं, मनोज भाई क्या करूं, तो फिर जय को कप्तान बना दो ना, आप क्यों कप्तान हो, आप जा सकते हो, फंस सकते हो कि धोनी के माइंड में कुछ अलग चीज चल रही है कि यार सुन हम ना इसको दो यहां पे पैक कर देते हैं और उसको इधर डलवा देते हैं, या आप फंस गए हो कि अभी इसका लास्ट ओवर डलवा दूं या रुक जाऊं, बट ये थोड़े होता कि वो पूछने जाएंगे तो वो बताएंगे, रोहित कहेंगे, अब ये तो बड़ी नॉर्मल बातें होती होंगी आपस में। बात रोहित की नहीं है, बात है कि ये डगआउट वर्सेस कप्तान या कप्तान वर्सेस डगआउट, कैसे यहां पे बैठे हुए थे, यहां पे उन्होंने कहा जी बुमराह पहला ओवर डालेंगे, मैंने कहा चांस ही नहीं है भाई, हम यहां पे बैठे हुए थे, हाँ जहां पे बैठे हुए थे, और मतलब एक ओवर उन्होंने डाला, एक ओवर मैंने ट्वीट किया सातवें ओवर पे, मैंने कहा जी 102 रन सात ओवर पे हैं, तो ये कहां पे लिखा है कि मुंबई इंडियंस उनसे पावर प्ले में एक ओवर डलवाएगा और 10 के बाद डलवाएगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था, मुझे ट्वीट करता और आठवां ओवर करा देते तो मेरी ट्वीट गलत हो जाती, मुझे कॉन्फिडेंस था ये अभी आठ नौ दस नहीं कराएंगे, और 13वां या 14वां करवाया था शायद, और आप ये देखो ना, आपको बुमराह के लिए आपने कितनी प्लानिंग करी कि सब कुछ आगे पीछे कर दूंगा बट बुमराह को डेथ में ही डालूंगा, बट आप उस प्लानिंग में आप ये नहीं देखा आपने कि भाई शम्स मुलानी भी प्लानिंग के हिसाब से एंड में होंगे, मतलब हम बाबर आजम के आपको याद होगा दो तीन बार ऐसा हुआ, बाबर आजम की कप्तानी में यार ऐसा कैसे हो जाता है, वो हमेशा मतलब उनका जजमेंट गलत हो जाता है, शॉट नवाज कैसे आ जाते हैं आखिरी ओवर में, रोहित शर्मा आज इनके कप्तान है cricket.com 100 बनवा रहे थे, इनके कप्तान है ईशान किशन, तो आप दोनों को चाहिए भाई देखो उनकी तरफ से हाईएस्ट स्कोर जिसने मारा है उसका नंबर कितना है, 45 तो यहाँ तो 4500 के 47 पावर प्ले में कितनी विकेट देखना चाहेंगे आप ये बताइए आप, मैं तो कह रहा हूँ मैच अच्छा ही है, फिर आज देखो रोहित कैसे भागे, भाई बिल्कुल देख ही रहे हैं, देखो सुबह से देख रहे हैं अभी, उमरान मलिक भी आ गए भाई कमाल है, शॉट सिंगल फील्डर ले रखा है, सेफ खेल रहे हैं, तो आई होप क्रिक रॉकेट पर आज जो आए ना एक के बाद एक सिक्स सिक्स ये इसकी बनी जी सुपर चैट आ रहे हैं सिक्स 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 बहुत सारे हैं सवाल ले लो, हजार सुपर चैट लेंगे यहीं पर लो ना जल्दी से, इतने दो लोग आए ना 65-70-73,000 लोग एक एक सुपर चैट पे हजारों लाइक, लाइक कर दीजिए, देखिए आप सुपर चैट पे हजारों लाइक, एक सेकंड में आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और शेयर भी जरूर कर दीजिए, आज जो आपकी टीम रही cricket.com पीयूष छावला ने बाउंसर से आउट किया बताओ अभिषेक शर्मा 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो गई बाउंसर मारी शायद अफ्रीदी बन गए थे अनिल कुंबले की आत्मा आ गई थी पेस डाल रहे थे, आप सोचो क्या हो गया, सौरभ इंदुलकर कह रहे हैं डू हार्दिक पांड्या डिजर्व्स टू बी वाइस कैप्टन ऑफ इंडिया ओवरहाइप्ड, ही वाज द कैप्टन ऑफ इंडिया, बात यार ये नहीं है पता नहीं समथिंग्स गॉन रॉन्ग, हार्दिक पांड्या ऐसे नहीं थे, आई डोंट नो व्हाटएवर हैज गॉन रॉन्ग बट समथिंग्स गॉन रॉन्ग इन दो मैचों में, पिछला मैच चलो डिसीजन दो पॉइंट गए, यहां तो इज्जत तार तार हुई है इनकी यार, सही बात, आज तो स्कूल के बच्चों वाली गलतियां की है इन्होंने, वही जो किताबों में लिखा है वही कर रहा है, अंकित सिंह कह रहे वर्स्ट कैप्टेंसी बाय हार्दिक, बुमराह शुड ओपन बोलिंग, हेड गेव मोमेंटम एंड दे नेवर स्टॉप्ड, यार अगेन आई एम जस्ट थ्रोइंग इट ऑफ ट्रैक माफ कर देना, क्या ऐसी सिचुएशन आप फोर्सी करते हैं कि अगर एक दो मैच और ऐसे आ गए सपोज तो कप्तान ही बदल देंगे सीजन के, अब नहीं कर सकते, मतलब इस टीम ने भी 8 हार भी देखी है पिछले एक दो सीजन पहले, टूर्नामेंट तो उनके लिए खत्म नहीं हुआ, लेकिन आज इनको चेंज अपना ये जरूर, पैनिक मोड है, पैनिक मोड है, किस तरह से आप हार रहे हो वो बहुत मैटर करता है, जीत लड़ लड़के फिर हारे हो, एटीट्यूड चेंज करना होगा, ये वो मुंबई इंडियंस से नजर आ रही है, पिछले मैच में जा रहे थे ना एक एक करके, हमने उस दिन टीम डेविड जा रहे हैं 3 बॉले हो गई 0 पे अभी तक, चौथी बॉल में पिछले मैच में आउट, आखिरी वाला शॉट तो नहीं, पिछला मैच था इनका एक एक खिलाड़ी जो बाहर जा रहा था वो लग रहा था मैंने मैच हरवा दिया, मुंबई कभी ऐसी नहीं दिखती थी, उनको चेंज में जरूरत है, एटीट्यूड क्रिस गेल इतने एकजुट हैं, अरे कुछ जल्दी क्रिस कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स तक नहीं, आपके एक एक्स टीम मेंबर या जर्नलिस्ट जो चैनल चला रहे हैं यूट्यूब पे वो रोहित को ब्लेम कर रहे हैं,
मैं आपको दोष नहीं दे रहा, बट ऐसे लोगों पे कुछ बोलो तो सही प्लीज, बेवजह ब्लेम। यार पता नहीं कौन क्या कर रहा है किस चैनल पे, हम इतना ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी आप पे है, आप लोग जिसको देख रहे हो वो चल रहा है। आदित्य खंडेल कह रहे हैं, आई एम अ फैन ऑफ MI एंड आई डोंट फाइंड इट फनी, व्हाई वाज हार्दिक लाफिंग, स्टूपिड, डजंट केयर अबाउट अस, रोहित वाज लुकिंग वरिड। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना, एक पॉइंट के बाद ना आप सिली दिखने शुरू हो जाते हो, एंड हार्दिक पांड्या इज नॉट अ सिली मैन भाई, इंडिया की कप्तानी कर चुके हैं, वाइस कैप्टन है, मुंबई इंडियंस ने इतना बड़ा डिसीजन लेके उनको मतलब ट्रेड करके अपने पास लेकर आया, कुछ तो होगा। बट आज ना, और आई थिंक लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट कि ये विकेट ना बहुत ज्यादा पाटा था, जिससे हार्दिक ने ये सोचा नहीं होगा, जो बैकलैश, जो रिएक्शन, आई थिंक उन्होंने सोचा नहीं होगा, आई मीन इन ऑल फेयरनेस, और रैटल्ड है, और रैटल्ड में क्या हो रहा है कि एक तो डिसीजंस आपके जो भी हैं, दूसरा वो जो आप कह रहे थे प्रिटेंशियस, आप यू ट्राई टू प्रिटेंडिंग, हाँ के अरे माशाल्लाह अरे कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है यार, लंका लुट गई, आप कह रहे हो कुछ नहीं है यार। और अब आई थिंक अभी ना उनको भी लग रहा होगा कि आई थिंक इतनी बड़ी कोई खराब सिचुएशन हुई, ये दो मैचेस हो गए हैं। जो वो क्रिकेट फैन ने कहा, क्रिकेट फैन ने ना, कि हार्दिक इस मैच के बाद कहेंगे डोंट वरी स्टिल, मैं एक्चुअली वही मैच के, मैं भी ना वही इक्वेशन को देख रहा था, कल हम CSK की बात कर रहे थे ना, बात कर रहे थे कि क्या CSK पहुंचेगा, भाई उनके पास भी 12 ही मैच रह गए, 12 से 6 जीते, अब उनको 12 में से 6 जीते, अब वो 12 में से 8, उनका CSK का ये होता है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज, वो घर का अपना मैच खेला बचा लेते, आप 4 मैचेस ही हार सकते हो और 12 में से सिर्फ 4 ही आपको 8 मैच जीतने हैं, बट CSK का वो काउंट रहता है, उनको घर के मैच बचा लेते हैं। पटेल हर्षी कह रहे हैं, हाय गाइस, दिस इज द बेस्ट हाफ इनिंग्स एपिसोड, हार्दिक इज सो बैड कैप्टन, हिज एरोगेंस इज बैड फॉर MI एंड इंडिया। अमित चौहान जी कह रहे हैं, लव यू विक्रांत सर, यू आर द बेस्ट, एंड मनोज आल्सो, थैंक यू अमित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बट एब्सोल्यूट टी जयंत जी हैं, वो कह रहे हैं रोहित हैज अ चांस टू रिडीम वर्ल्ड कप फाइनल, सर अगर आज आप इसको वर्ल्ड कप फाइनल कह रहे हो ना, तो ये एक और वर्ल्ड कप फाइनल इंडिया हार गया फिर, और वर्ल्ड कप फाइनल में तो इससे कम रन बने थे, ये भी क्या फिर, ये भी क्या, 50 ओवर की गेम में इससे कम रन बने थे वर्ल्ड कप फाइनल में। मनोज बड़ी मार पड़ी है, क्लासन कह रहे हैं कि मुंबई मेड अ मिस्टेक बाय नॉट बोलिंग बुमराह अर्लियर, थॉट्स ऑन दैट, क्लासन का पढ़ना पड़ेगा, क्या थॉट्स क्या मनोज, यही तो हम बोल रहे हैं, बट सामने वाला प्लेयर सर सामने बोल दे आपको आकर, वो और वो है, तो दे आर डिफरेंट, तो तमाचा है, दे आर यूनिक, दे आर डिफरेंट, छे रोहित ने मार दिया। रुद्र पटेल जी कह रहे हैं, प्रमोटिंग फॉरेन यंग प्लेयर इज नॉट अ गुड मूव, इफ यू वांट टू प्रमोट देन प्रमोट इंडियन IPL इंडियन प्लेयर, सॉरी वो शायद उस लिहाज से कह रहे होंगे, अगर वो मफाका के लिहाज से कह रहे होंगे, रुद्र पटेल जी आगे बढ़ते हैं जी, ओके तो बाकी भी सवाल ले रहे हैं। उस बीच रोहित शर्मा ने जो है एक छक्का लगा दिया है, चौका उससे पहले लगा चुके हैं, ईशान किशन की भी एक बाउंड्री आ चुकी है, तो आज इनके पास विकल्प यही है कि भाई पिटाई पिटाई सब कितने लगाओगे, कितने लगाओ? अब बात हुई है, देखो जयंत शॉट यार शॉट, एक और जयदेव उनादकट की वापसी भी हो रही है, तो इसी विकेट पे उनके लिए बड़ा इम्तिहान रहेगा ये। चलो आज और कुछ नहीं, रोहित शर्मा की बैटिंग ही देखते हैं, 100 वही है से 100 200वां मैच है उनका, 200 पे रोहित शर्मा का 100 तो बनता है नहीं, अगर रोहित शर्मा ने गेम, यार रोहित चल गया तो गेम खुल जाएगा, कुछ नहीं खुलेगा, गेम खुलेगा, ठीक है, हमारी हेड की तरह क्लासिक की तरह बैटिंग नहीं कर सकते। मैं एक बात बताऊं, देखो बुरा नहीं मानना चाहिए, मतलब कोई ये ना सोचे कि भाई रोहित शर्मा ना अब इंजॉय करेंगे इस मैच में, नहीं करना भी चाहिए, अपने रन बनाओ, इसीलिए जो क्योंकि ये जो कह रहे हैं ना, वन ऑफ द रीजंस कि भाई ये जो बोल रहे हैं ना कि आपको भी पता है धीरज, अंदर से मुझे भी पता है, सबको पता है ये मैच ना बियॉन्ड रीच आपके पहुंच चुका है, रोहित शर्मा ना एंजॉय करेंगे, हाँ बाकी प्लेयर से उनकी टीम से बात कर रहे थे, खिलखिला के हंस रहे थे, रोहित शर्मा एक्चुअली पता है हम सोच रहे थे जो भी है हार्दिक पांड्या के ऊपर तो एक बवाल सा ही आ गया, कप्तानी क्या मिल गए उनको, आई थिंक रोहित शर्मा के लिए obviously he wouldn't have wanted to leave captaincy या captaincy से हटना या हटाना, but never know, हो सकता है blessing in disguise, हंसते मुस्कुराते रन बनाओ, maybe रोहित शर्मा का ये best ever IPL season हो जाए, क्या पता जब हम 26 मई को बात कर रहे हो, ईशान बस एच का है,
कि हम 26 मई को देख रहे हो लीडर बोर्ड जब वो देख रहे हो तो रोहित शर्मा सबसे ऊपर हो नहीं हार्दिक क्या क्या पता हार्दिक के हाथ में आईपीएल की ट्रॉफी नहीं रोहित शर्मा लीडिंग रन गेटर पर उसके लिए उन्हें यहां से तो बहुत कुछ सीखने की पर एक बात है सीखने समझने की एक बात है लेकिन यार हैदराबाद ना इट्स अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर बट इनके लिए वही है कि बॉलिंग इनको देखना पड़ेगा इनके बॉलिंग लाइनअप में ऐसा इनके लिए पता क्या है इनके पास है पैट कमिंस कप्तान जो दुनिया में ना पिछले 12-13 महीने से सबको जीत ही रहा है ईशान किशन ने भी मारा बुवी को बाहर पर इनको देखना पड़ेगा कि बॉलिंग क्योंकि हर मैच में क्या ये एक्स्ट्रा वो जो 20 रन 30 रन चाहिए होते हैं हर मैच में प्रोवाइड कर पाएंगे ये एक बड़ा इम्तिहान है क्योंकि बॉलिंग लाइनअप थोड़ा सा पता मुंबई के लिए भी है कुछ भी कहो मुंबई एक ब्रांड है आज इनको ब्रांड के लिए मतलब ठीक है यार हार्दिक कप्तान हो रोहित कप्तान हो सचिन कप्तान 220 रन बना दो पर मतलब मुंबई को जाना चाहिए एक मैच था ऐसे इन्हीं का तो था वो ही मारे थे कुछ फाइनल तो वो ठीक है बना दिया आपने ओ रन्स यहां पर अभी बेसिकली ये होगा कि कितना क्लोज ले जा सकते हो प्लेऑफ्स के लिए प्लेऑफ्स रास्ता बहुत मनीष पांडे आए थे कप्तान बनके यार और एक मैच में कुछ रनचेज वाली सिचुएशन भी थी जहां पर ठीक है मारा इन्होंने रन्स बनाए बट फिर वही होता है यार इतने रन्स आपने बहुत ज्यादा 278 है 178 थोड़ी है टेंशन मत लीजिए सारे सवाल लिए जाएंगे आज वीडियो गेम वाली बैटिंग ही होगी लगता है क्या विकेट है यार ईशान किशन में शुरू हो गए हैं वैसे पूरा टूर्नामेंट इसी विकेट पे होना चाहिए ठीक कराओ इस विकेट पे भी पाकिस्तान को शादाब ने ईशान किशन के लिए भी अच्छा है यार हां आज सबको जो अपना है नितिन खन्ना जी मैं तुम्हारी गल नाल 100% इत्तेफाक रखना सूरज साहा कह रहे हैं एक चैनल है जो कह रहा है कि इसमें हार्दिक की कोई गलती नहीं है मैनेजमेंट की गलती है और रोहित एंड सब मिलकर जानकर हार्दिक को नीचा दिखा रहे हैं अफोर्ड नहीं दिया पता नहीं यार ऐसा बहुत कम होता है बोले नहीं, नहीं, कौन सा चैनल है हमें क्या पता है वो कह रहे हैं कुछ बोलिए इसमें आप लोग और मेरे भाई सूरज हमें पता ही नहीं है कौन ऐसा कह भी रहा कि नहीं कह रहा हमने जो कहना था वो आप सुन लो भाई हरियाणवी जाट कह रहे हैं सर मजा ही आ गया आपको आपका नहीं लगता बुरा टाइम में हार्दिक को रोहित के पास जाना चाहिए ना कि बस हंसते रहो एक्सपीरियंस मैटर एटीट्यूड से ऊपर पता नहीं क्या हो रहा है सब कुछ कर रहे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है भाई पर वहां पे भी 50 रन हो गए वैसे भाई वैसे देखो 22 रन आ गए इस ओवर में कहने के लिए 228 रन ही रह गए हैं पर ये विकेट का गेम है तीसरे ओवर में नहीं ये सिचुएशन है रोहित शर्मा को सूट भी करती है नथिंग टू लूज जाओ मारो अपने रन रोहित शर्मा बनाए 100 आज मेले तो 250 बना देंगे तो भी उनका विनर है भले 2 पॉइंट्स दिया है सीधा सीधा डाल रहे होंगे ना वो बोल रहे कुछ है हार्दिक से बोला होगा आप क्या सोच रखते हो आई जस्ट टोल्ड बॉयज बराड़ जी की करे वो ऐसे ही बता दो बराड़ जी ने क्या बोला सही लैंग्वेज में बता दो गुस्से में होंगे यार गुस्से में तो अभी काफी लोग ब्राड़ पाजी अपने की कह रहे हैं दसो गलत इसमें नहीं ऐसे में सो वो कह रहे हैं कि होंगे लोग गुस्से में पहले गुस्से में क्यों होंगे लोग सर एमआई फैन मुंबई का फैन तो हर्ट होगा एमआई फैन क्या अभी तक सब लोग ये कह रहे थे कि भाई हमें हार्दिक ये है हार्दिक वो है हार जाए मुंबई तो गुस्सा किस बात तो वही हुआ ना वही हो रहा है अभी मैच इतना बुरा भी होनी चाहिए ना उन्हें हैदराबाद के 40 थे आईपीएल का सबसे बड़ा टोटल पड़ गया टीम के अगेंस्ट इंटरेस्टिंग ये भी पिटेंगे ये तो लंबा छे है भाई बोला इनको तो रख के स्पिनर के सामने लंबा छे हां लेफ्ट हैंडर इनके सामने स्पिनर तो लगाओ मत इनको मीडियम पेस से बेटर रहता है अच्छा है सर और बॉलर आज माकु येनसन कम करके नहीं बॉलर तो वैसे ऑप्शन तो ऐड कर ली थी जैदे उनादकट आए हैं मतलब उमरान भी आ गए हैं मतलब हां मतलब बॉलिंग वैसे बट मार्को कभी ये रहता है कि मार्को उमरान से करा सकते थे आप हाँ. चलो देखो या तो चार छक्के खा लूंगा या आउट कर दूंगा नहीं एस मैं पढ़ना आउट मैंने छह नहीं आउट है एसपी बराड़ कह रहे हैं अरे धीरे चलो भाई आपको मैंने हजार बार समझाया है पीछे गिर जाए जब जब बॉल बैट पे लगता है बैट्समैन का सिर देखो बस माइलेज इतनी ही है वो
वो तो आज तेज रन बना के विकेट थोड़ा सा उसका नहीं एवरेज से ठीक। हां मैं कह रहा हूं माइलेज इतनी है, इतने कितना देती है भाई 20 25 30 नहीं नहीं आप सर समझिए जब शॉट लगे सिर देख लो बस बैट्समैन का सिर ऐसे हुआ तो फिर आउट है फिर बाहर नहीं जाएगा बॉल। लेफ्ट आर्म स्पिनर से आउट करा दिए जी लेफ्ट आर्म को लेफ्ट आर्म स्पिनर से लेफ्ट हैंडर को लेफ्ट आर्म स्पिनर से ही आउट करा दिया। बात यही है ना आपको बॉल वन बड़े बाप मारना है ना लास्ट बॉल तक तेरा बॉल में चौथे उन्होंने मारना ही है उसमें आउट क्या करा दिया ये तो क्या करना आज वही आप चाहते हैं मारना है भाई। मैं तो चाहता था और खेले बनाए रहना आज इंटेलिजेंट क्रिकेट इंटेलिजेंट आप बोलते कि इंटेलिजेंट क्रिकेट खेल रहे हैं ट्रेविस हेड ने इंटेलिजेंट क्रिकेट ना खेलते हुए बनाए 64 बनाओ भाई 64 फर्क है वो पहले चलो एक काम करो यार एक काम करते हैं आप लोग कोई बात नहीं है मैं जानता हूं आपके दुख दर्द गुस्सा कोई बात नहीं रखो अपना गुस्सा यार कभी कभी क्या होता है गुस्सा रखने से ना सच बोलने से बोलो सच कड़वा सच दिल में जो है दिल में मत रखना और कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करो कोई बात नहीं सुनवाई होगी और क्या अभी फिर वीडियो शेयर कर दो यार लाइक कर दो सब्सक्राइब भी कर दो मैं लाता हूँ सेरिडॉन आपके लिए चलिए जी अभी फिर हम जुड़ते हैं आपसे मैच के बाद सब्सक्राइब जरूर करा दोस्तों हमारी वेबसाइट है www.thesportsnet.com अभी मुझे आकाश का मैसेज आया भाई आपको सारे रिकॉर्ड्स जो आज टूटे बने क्या क्या हुआ है वो जो मैनहट्टन बनाए आपने और वो प्लेयर वर्सेस प्लेयर वो जरूर देखिए किसने क्या बोला भाई सब आपको कहाँ मिलेगा